शेयर मार्केट को साधारण भाषा में समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि स्टॉक या फिर शेयर क्या होता है। तो जैसे कि आपका घर है और आप उसके मालिक है, तो आप उसके एक शेयर होल्डर है, जो कि आप उसका लगभग 100% शेयर ओन करते हैं। वहीं जब भी हम कभी कोई कंपनी शुरू करते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपीज गवर्नमेंट को शो करना होता है, जो कि कंपनी रजिस्टर करने के लिए जरूरी है। उसी वक्त गवर्नमेंट ये डिटेल भी पूछती है कि क्या कंपनी अकेले आपकी है या फिर कोई और पार्टनर भी साथ में है। अगर आप कंपनी अपने अकेले के नाम पर रजिस्टर करवा देते हो और आप कहते हो कि आप अपनी कंपनी में 1 लाख शेयर रखना चाहते हो बिगिनिंग में, तो जैसा कि आपने 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को शो करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपके 1 शेयर की वैल्यू यानी कि 1 रुपए होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि शेयर मार्केट में जाने से पहले आपको अपनी कंपनी को एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर करवाना होगा। अब समय के साथ मान के चलते हैं कि आपकी कंपनी में ग्रोथ होती है और कुछ पैसा आता है। अब जो 1 लाख रुपए किसी समय आपके बैंक में था, अब आपके पास 10 करोड़ रुपए हो जाता है कुछ समय के बाद। तो इसके अकॉर्डिंग जैसा कि आपके पास 1 लाख शेयर थे, तो हर एक शेयर की वैल्यू 1,000 रुपए हो जाएगी। और अगर आप अब बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो और आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आप अब लोन भी नहीं लेना चाहते हो, तो उस केस में कंपनी रास्ता अपनाती है शेयर मार्केट का। यहाँ पर कंपनी अपने आप को BSE या फिर NSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है। मान के चलते हैं कि कंपनी को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने 10% शेयर को जो है स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर देगी। और पहली बार इस लिस्ट किए गए स्टॉक को IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जैसे कि आपकी शेयर की वैल्यू 1,000 रुपए थी, तो IPO में लोग जो है शेयर मार्केट में बिड लगाते हैं। कोई कहेगा 1,001 में, कोई कहेगा 1,010 रुपए में, तो इस तरीके से जो है बिड लगेगी। तो जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा उन्हीं को ये आपके 10,000 शेयर बेचे जाएंगे, जिससे कि कंपनी में पैसा आएगा और कंपनी के 10% शेयर्स का डाइल्यूशन भी होगा, जिससे हो सकता है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए का फाइनेंस कंपनी के पास इकट्ठा हो जाए। और वो इन्वेस्टर जिन्होंने कि इन 10% शेयर को खरीदा है, वो कंपनी के 10% के हिस्सेदार भी हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसी तरह से काम करता है। इन फ्यूचर अगर कंपनी को और पैसे की जरूरत हो, तो वो इसी तरीके से अपने शेयर को जो है लिस्ट कर सकती है, जिससे कि कंपनी में और ज्यादा पैसा आएगा। वहीं अगर शेयर की प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, तो उस केस में कंपनी जो है अपने शेयर्स को IPO से पहले या IPO के बाद भी स्प्लिट करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे 1 मिनट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।